हजार करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू और उनके परिवार से जुड़े 22 ठिकानों पर आज इनकम टैक्स ने छापा मारा है। ये छापेमारी दिल्ली और गुरुग्राम में हुई है। लालू की बेटी मीसा भाटी और उनके पति शैलेश कुमार के ठिकानों पर भी छापे पड़े हैं। 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के फेर में फंसे लालू यादव, लालू के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। दिल्ली और गुरुग्राम में 22 ठिकानों पर छापेमारी। लालू की बेटी और दामाद के ठिकानों पर छापा। लालू के सहयोगी आरजेडी सांसद पीसी गुप्ता के रिश्तेदारों पर भी छापा। बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे आरोपों के बाद आखिरकार लालू यादव पर इनकम टैक्स विभाग ने शिकंजा कस दिया है। 3 दिन पहले बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने लालू यादव की बेटी की बंद कंपनी के जरिए काला धन सफेद कर दिल्ली में संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था। बीजेपी की तरफ से लालू परिवार पर लगातार लग रहे आरोपों पर नीतीश ने कल कहा था कि अगर किसी के पास तथ्य हैं तो वो कानून का सहारा ले। लालू प्रसाद यादव जी की जो बड़ी बेटी मीसा भारती, 1 लाख की पूंजी से मीसा भारती ने कंपनी की शुरुआत की, मात्र 1 लाख की पूंजी से, जिसका नाम है मिशेल पैकर्सन प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी 3 साल के अंदर बंद हो गई। उस कंपनी के शेयर को, 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए में ये सुरेंद्र जैन की कंपनी खरीदने का काम करती है। यही काले धन को सफेद करने का मुखौटा कंपनियों के माध्यम से सुरेंद्र जैन और बीरेंद्र जैन इसके माहिर हैं। जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो मिला वो इन्हीं का काला धन था, जो बीरेंद्र जैन के माध्यम से इनके पास चेक के माध्यम से आ गया। और इस पैसे से दिल्ली के अंदर जमीन खरीदी जाती है। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि ऐसा है तो उनको अपने सारे अपने अपने रास्ते पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सचमुच किसी के पास कोई ऐसा तथ्य जो कानूनी रूप से उसके चलते कोई गलत साबित किया जा सकता है तो फिर कानून का सहारा लीजिए। आयकर विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेताओं की शिकायत के पहले ही आयकर विभाग लालू से जुड़े मामले में कुछ दस्तावेजों की जांच शुरू कर चुका था। इन दस्तावेजों की जांच के दौरान कुछ इस तरह के तथ्य सामने आए जिनसे साबित होता था कि लालू और पीसी गुप्ता के सगे संबंधियों ने अनेक बेनामी संपत्तियां बनाई हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने इस बारे में कई अहम जानकारियां भी संबंधित विभागों से छुपाई थी। लिहाजा आयकर विभाग ने जांच आगे बढ़ाते हुए 22 स्थानों पर छापेमारी की। आरोप है कि लालू और उनके परिवार ने दिल्ली NCR में कई प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीदी है। ऐसा ही एक फार्म हाउस दिल्ली के घिटोरनी में है। आयकर विभाग आज देश भर में लालू यादव और उनकी बेटी से जुड़ी हुई कुल 22 संपत्तियों पर छापेमारी कर रही है। ये संपत्तियां दिल्ली और गुरुग्राम की 22 ठिकानों पर हो रही है, जिन ठिकानों में से एक ये फार्म हाउस जो कि आप देख रहे हैं ये दक्षिणी दिल्ली के घिटोरनी में है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी तैनात हैं जो कि लालू यादव के प्रोटेक्टिव पर्सन होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा भी दी जा रही है। जब हमने यहाँ पर दरवाज़ा खटखटा के बाहर बात की तो दिल्ली पुलिस का एक सिपाही बाहर आया और उसने बताया कि लालू यादव के नाम पर यहाँ पर सुरक्षा है। बताया जा रहा है कि मीसा भारती और उनके पति ने अवैध तरीकों से ये फार्म हाउस खरीदा। जो जिन पैसों से ये फार्म हाउस खरीदा गया वो 2 एंट्री ऑपरेटर्स ने दिया था, जिनको जो आयकर विभाग है वो पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और इसके अलावा और भी कई जगहों पर छापेमारी दिल्ली और गुड़गांव के जगहों पर हो रही है। दिल्ली NCR में इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद पटना में लालू के घर पर भी गहमा गहमी तेज है। 22 ठिकानों पर दिल्ली और गुड़गांव में छापेमारी की खबर के बाद लालू यादव के घर पर हम पहुंचे हैं। यहां पर काफी भीड़ है, मीडिया के लोग पहुंचे हुए हैं, एक आध लोग अंदर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लालू यादव के घर का नजारा। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मुख्य दरवाजा है जहां पर लालू यादव दाई ओर बैठते हैं और वहीं से आम लोगों की एंट्री होती है और जो भी मिलना चाहते हैं वो जाते हैं, मीडिया वाले भी जाते हैं। फिलहाल उस गेट पर रोक लगी हुई है। RJD नेता रघुवंश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि BJP बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। पहले से हम लोगों को अनुमान था कि जब हम सेकुलर पार्टी को एकजुट करने के लिए रैली का आहूत किया, भाजपा में और केंद्र में घबराहट छा गई है। उसी घबराहट के काट में ये लोग देखा कि आगे ही बाबू लालू प्रसाद पर हमला कर दिया जाए, उनके परिवार को बदनाम कर दिया जाए, उनको ध्वस्त कर दिया जाए, इसलिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। आयकर CBI उनका सक्रिय हो जाएगा। सब
कांग्रेस भी आरजेडी के सुर में ला रही है। कांग्रेस ने भी विरोधियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रतिशोध और बदले की आग, ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। आए दिन किसी न किसी विपक्ष के नेता की आवाज को दबाने की साजिश और षड्यंत्र भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र है। लालू और उनके परिवार पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि नीतीश और लालू की दोस्ती का क्या होगा। अगर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाते हैं तो क्या नीतीश लालू से किनारा करेंगे। नीतीश जी तो 40 दिनों तक चुप थे और जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे लालू के परिवार को बचाते रहे। उनको मालूम है कि अगर कार्रवाई करेंगे तेज प्रताप तेजस्वी पर तो उनकी सरकार गिर जाएगी, तो चाहते थे कि केंद्र कार्रवाई करे और वो सरकार को बचाते रहे। और इनकम टैक्स के छापे को लेकर लालू यादव का बयान आया है। लालू ने पहले ट्विटर पर लिखा कि वो डरने या झुकने वाले नहीं है। उन्होंने लिखा, बीजेपी को गठबंधन के नए सहयोगी मुबारक हो, लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। नए सहयोगी से मतलब नीतीश कुमार को जोड़कर लगाया जा रहा था, लेकिन अगले ही पल दूसरा ट्वीट सामने आता है, ज्यादा लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है, अभी तो समान विचारधारा के और दलों को साथ जोड़ना है। उनका अगला ट्वीट, मैं बीजेपी के सरकारी तंत्र और सरकारी सहयोगियों से नहीं डरता, गरीबों का समर्थन और आशीर्वाद मेरे साथ है। छापेमारी पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए ये बयान, ये पक्ष सामने रखा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।